दोस्तों कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। आज मैं आपको जेंट्स शर्ट जो होती है उस पर प्रेस करने का आसान तरीका बताने जा रही हूँ। इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा मेरे पास परफ्यूम रखा हुआ था, इसको स्प्रे कर दूंगी इससे, क्योंकि इसमें जो है फिर बाद में बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आएगी। तो स्प्रे करने के 5 मिनट बाद इसे हम रख देंगे शर्ट को ऐसे ही। उसके बाद जो है सबसे पहले हम इसके कॉलर पर प्रेस करेंगे। कॉलर पर प्रेस करने के बाद हमें जो है शर्ट की बाजू पर प्रेस करनी चाहिए। इस तरीके से हम बाजू को रख लेते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं कि जहाँ बाजू पर सिलाई लगी हुई होती है वो वाला जो है कॉर्नर बीच वो बीच आना चाहिए। इससे जो है हमारी शर्ट की बाजू की प्रेस करने में आसानी होती है और फिनिशिंग भी आती है। इस तरीके से जो ये सिलाई लगी हुई है इसमें, यहाँ पर हम इसको बीच में रख के प्रेस करेंगे इस तरीके से। और बीच बीच में जो है ना, अगर सलबटे आती है ना तो इनको हटाते रहेंगे और इन्हें हटा के हाथ से और प्रेस करते रहेंगे इस तरीके से। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ प्रेस होती है और इसको करने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है। और इस बात का और ध्यान रखना पड़ता है, अगर आप कॉटन की शर्ट पर प्रेस कर रहे हैं तो कॉटन मोड पर ही करें। तो ये मेरे पास कॉटन की शर्ट है तो इसलिए मैंने इस प्रेस की जो हीट कर रखी है कॉटन पे कर रखी है। अब देखिए दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से पलट लेना है बाजू को और यहाँ पर इस तरीके से प्रेस करना है। ये देखिए इस तरीके से ना, ये जो सरबटे इसमें है मैं उसको हटाती जा रही हूँ और मैं प्रेस करती जा रही हूँ। इसमें जो है ये रेडीमेड शर्ट है, इसमें बाजू में जो है ना एक प्लेट्स पड़ी हुई है तो ये प्लेट्स को हम निकाल नहीं सकते, तो इसको एज इट इज यहाँ पे हम प्रेस से दबा देंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो ये बाजू पे प्रेस करने का आसान तरीका है। इस तरीके से बाजू में फिनिशिंग आ जाएगी यहाँ पर इस तरीके से। ये देखिए इसका जो कप होता है बाजू का, ये भी मैंने प्रेस कर लिया है और यहाँ पर ना मैंने पानी का यूज नहीं किया है, बिना पानी के ही प्रेस कर रही हूँ। अब देखिए इसी तरीके से जो है दूसरी बाजू पर भी मैंने प्रेस कर ली है। अब देखिए ये यहाँ पे जो इस शर्ट की बैक साइड है, यहाँ पर नेक पे देखिए कितनी सारी जो है ये, देखिए यहाँ पर ये कितनी सारी शरबटे आ रही हैं इसमें गर्दन की तरफ। तो इनको हटाने का जो है आसान तरीका ये है, आप जिस भी या मेज पे या किसी भी उसपे रख कर प्रेस कर रहे हैं तो इसको कॉर्नर पे रख दें। तो इससे क्या होगा, ये हमारी जो शरबटे है ना ये आसानी से निकल जाएंगी और आपको बार बार हाथ से सही नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए इस तरीके से मैं इसे कर रही हूँ। तो ये शरबट निकालने का बहुत आसान तरीका है। इस शर्ट में जो है ना बहुत सारी शरबटे है, काफी समय से रखी हुई है, प्रेस नहीं की गई है तो इसलिए ये इसमें ज्यादा शरबट है। इसीलिए जो है इसको हटाने का जो आसान तरीका है ये यही है कि इस तरीके से हम इसकी शरबट निकाल के आसानी से प्रेस कर सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से ये जो आगे वाली साइड होती है ना, जिधर जेब लगी हुई होती है, अब जो है उसके बाद यहाँ पर प्रेस करते हैं जिस साइड जेब लगी हुई होती है। तो इसमें भी कोई हार्ड वर्क नहीं है इसको करना, ये भी आसानी से होती चली जाती है। जहां पर भी सरबटी है और वो जो प्रेस से नहीं हट रही उन्हें हाथ से हटा हटा के हम इसपे प्रेस करते चले जाते हैं। और इस तरीके से ये देखिए एक इधर की साइड भी प्रेस हो गई। अब मैं दूसरी साइड पलट रही हूँ, इधर देखिए जिधर बटन लगे हुए होते हैं इधर की तरफ मैंने अभी से पलट लिया है। इधर भी देखिए कितनी इसमें सरबटे आई हुई है, कितनी प्लेट्स पड़ी हुई है। इस तरीके से देखिए इनको हटाने में ज्यादा समय नहीं लगता है और इस तरीके से इस साइड तो बिल्कुल आसान है प्रेस करना। शर्ट पे इस तरीके से बहुत कम समय लगता है और ये जो बटन के बीच बीच में जो स्पेस दिया होता है इसमें से भी हम सरबटों को हटाते चले जाते हैं। और ये इस तरीके से जो है अब मेरे पास ये सिर्फ पीछे का पोर्शन बचा हुआ है, इसमें कितनी सरबटे हैं इनको भी आसानी से हटा देंगे। इनका इस पे कोई ज्यादा समय भी नहीं लगेगा और हार्ड भी नहीं है। ये देखिए बस एक दो प्रेस में ही ये जो है इसकी सारी शरबटे निकल गई है इस तरीके से। ये देखिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक मेरे साथ देखते रहिए क्योंकि इसके बाद में आप पैंट पर शर्ट प्रेस करना बताऊंगी। अब यहाँ पर देखिए ये मेरे पास हैंगर है शर्ट का, ये इसमें मैं इस तरीके से इसे फिट करने जा रही हूँ और इसके बाद जो है ना मैं पैंट पर प्रेस करूंगी। और जब तक मैं पैंट पर प्रेस करूंगी ना तब तक मैं के लिए मैं इसे अपनी कबर्ड में हैंग कर दूंगी। इसको एक बटन लगाया मैंने और इसको मैं अपनी कबर्ड में इसी तरीके से सीधा हैंग कर दूंगी। इसमें जो है मैं इसकी तय नहीं बना रही हूँ, तय बनाने से क्या होता है कि उसमें प्लेट्स और ज्यादा पड़ जाती है। तो ये देखिए इस तरीके से अब मेरे पास ये पैंट है, इस शर्ट के साथ की ही है, इसको भी मैं इस हाथ के साथ प्रेस करके रख दूंगी। इसके लिए भी मैं इस पे थोड़ा सा परफ्यूम स्प्रे कर रही हूँ। इससे क्या होता है इसके बाद में ना बहुत अच्छी सी भीनी भीनी सी खुशबू आती है जो कि काफी समय तक बनी रहती है कपड़ों में। अगर आप 2-4 दिन इन्हें रखे भी रहेंगे तो ये इसमें अलग सी स्मेल नहीं आएगी, इसमें परफ्यूम की स्मेल आएगी, खुशबू आएगी, सॉरी।
इस तरीके से ये देखिए, अब जो है पैंट पे प्रेस करने का तरीका तो आप सबको मालूम ही होगा, ये बहुत आसान है। ये ऑलरेडी पहले से ही जो क्रिच बनी हुई होती है उन क्रिच पर इस पैंट को इस तरीके से रखते हैं, और उस जो क्रिच बनी हुई है हमारी पहले से उसी पर ही हमें प्रेस कर देनी होती है अलग से। दूसरी इस बात का ध्यान रखना होता है पैंट पे प्रेस करते समय कि जो क्रिच पड़ी हुई है ये जो है ना दूसरी ना बने, उसी पे हमें प्रेस करना है, वरना तो ये बहुत ज्यादा भद्दी दिखती है दोस्तों। इस तरीके से प्रेस मैंने कर दी है, इस पे बैक साइड प्रेस कर दी है। अब देखिए ये जो है दूसरी लेग जो है इसकी, मैं इस पे भी प्रेस करूंगी इसी तरीके से। पहले मैं इसकी सरबटे निकाल लेती हूँ अच्छे तरीके से। ये देखिए इस तरीके से मैं इसकी अच्छे से, ये ऊपर की तरफ जो है थोड़ा सा सिलाई लगी हुई थी इसको थोड़ा सा प्रेस कर करके जरा ज्यादा दबाना पड़ता है इस तरीके से। और मैं दूसरी साइड भी रख रही हूँ इसी के ऊपर की, तो इस तरीके से जो है मैंने यहाँ पे अब सीधा रख कर लिया है इसको। और इस पे भी मैं प्लेट्स का ध्यान रखूंगी, प्लेट्स जो है मैं मतलब इसको हाथ से सेट कर करके और उसके ऊपर जो है प्रेस करती रहूंगी इस तरीके से। ये देखिए तो इसको पैंट पर प्रेस करना था दोस्तों और भी बहुत ज्यादा आसान है। ये देखिए इस तरीके से कोई पानी की भी आवश्यकता नहीं पड़ रही है, इस तरीके से कर दिया है इसको। और ये देखिए अब ये ऊपर की साइड जो है ना थोड़ी सी रफ ज्यादा हैवी सी हो जाती है, फोल्ड ज्यादा है यहाँ पर इस तरीके से, तो यहाँ पे प्रेस थोड़ी और ज्यादा करनी चाहिए, मतलब दबा के अच्छे से करनी चाहिए इस तरीके से। ये देखिए ताकि इसमें कोई भी सरबटे बाकी ना रह जाए। अच्छा इस चीज का और ध्यान रखना, जो जेब होती है ना वो उसको जो है हमें अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है, बाहर नहीं निकली हुई होनी चाहिए इस तरीके से। अब ये मैंने दूसरी साइड भी इसकी प्रेस करनी है इस तरीके से। ये देखिए तो ये वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक, और ये बहुत आसान ट्रिक है कपड़ों पे प्रेस करने का। और ये देखिए इस तरीके से ये इसकी जेब और इसकी जो है ये पॉकेट्स जो है मैंने प्रेस कर दी है अच्छे से, और जो बाहर निकली हुई पॉकेट की इसको मैं अंदर कर दूंगी, तो ताकि ये टंगी हुई हैंग हुई भी काफी अच्छी लगे और मतलब जेब इधर उधर ना दिखाई दे, इस तरीके से मैंने कर दी है पैंट पे प्रेस। अच्छा इसमें यहाँ पे जो है ना फोल्ड तो करना है, मगर इस फोल्ड के ऊपर कुछ लोग होते हैं ना कि प्रेस कर देते तो वहां पर निशान पड़ जाते हैं, वो नहीं करना है हमें, बस इसको फोल्ड करना है एक सिंपल हाथ से। इसकी स्लीव जो स्लिट्स हैं जो इसमें सरबटे पड़ी हुई वो निकालनी है। और ये पहले पैंट लगाई मैंने इसी हैंगर में, पहले शर्ट को हटा दिया था, पहले पैंट डाली और इसी में जो है मैंने अब ये शर्ट हैंग कर दी है। तो ये देखिए इस तरीके से मेरी बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ प्रेस हुई है, और ये आप चाहें तो हफ्ता भर भी आराम से टंगी रहेगी, हैंग रहेगी, तो ये ऐसी की ऐसी ही बनी रहेगी। और मैं जो हूँ शर्ट की फोल्ड नहीं करती हूँ, शर्ट की मैं तैयार नहीं बनाती हूँ। और ये देखिए इस तरीके से बहुत अच्छी मेरी प्रेस का जो है तरीका है ये करने का, इस तरीके से आप भी कीजिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी या हेल्पफुल रही हो आपके लिए, तो प्लीज कमेंट करना ना भूलें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।